हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज बात करते हैं लेखांकन के विकास की। लेखांकन का विकास भारत के अंदर तो भगवान राम के यानी कि रामायण के समय और महाभारत के समय यानी कि अब से 2000 साल 2500 साल पहले ही हो चुका था। अब इसका विकास देख लेते हैं कि भारत के सिवा लेखांकन का विकास कैसे हुआ। यानी कि जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है अकाउंट, बही खाता वाले का शास्त्र, इसका जो लेखांकन का डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ। देखिए पुराने समय में क्या होता था, ठीक है, पुराने समय में क्या होता था कि लोगों की जो सोच थी ना, जो लेन देन व्यवहार थे वो सीमित थे। अब सीमित से थोड़े से ऊपर बढ़े तो विनिमय विपत्र आ गया। विनिमय विपत्र जिसमें हम हुंडी के लेन देन भी पढ़ते हैं। विनिमय का क्या अर्थ है कि मान लो पुराने समय के जो लोग थे वे क्या करते थे कि जिसके पास अनाज नहीं है उनसे चावल ले लिए, जिसके पास चावल है वो उसने जो है चावल दे दिए, जो है अनाज अनाज ले लिया, तो उसको कहते हैं विनिमय। अब जब सीमित थी तो क्या हुआ, उस सीमितता के साथ साथ लेखांकन का विकास कैसे हुआ कि सीमित से ऊपर लोग बाग जो अपनी सोच का विस्तार करते गए, जैसे जैसे उनकी आवश्यकताएं जो है पूरी होने लगी तो उनका प्रगति का विकास भी बढ़ता गया लेन देन का। तो जैसे ही लेन देन का विकास भी बढ़ता गया तो सिंपल सी बात है व्यापार नीति भी बढ़ती गई, और जब व्यापार नीति बढ़ती गई तो लेखांकन का विकास जब से ही होने लगा। देखिए जो इजिप्ट के लोग होते थे ये पिरामिड बनाते थे बड़े बड़े वही पत्थर वाला। अब जब वे मजदूर उन पत्थरों का जो जहां से भी पिरामिड का निर्माण हुआ तो वे भारी भारी पत्थर उठाते थे। अब फिर में कौन काम करता है भैया, तो उस समय में भी जो है इजिप्ट में भी अब से 4000 साल पहले यानी कि 4500 साल पहले लेखांकन का जिक्र मिलता है। देखिए जो पिरामिड के लोग होते थे वो अपने खजाने को या मतलब मजदूरी को कि कितनी मजदूरी हमको पे करनी है उसके बारे में एक तिथि वार एक जो है जो मिट्टी होती है उसका एक पोर्ट बनाकर राजा को तिथि वार और भाई फलाने की इतनी मजदूरी है या फिर हमारे पास सोने चांदी के जो खजाने हैं या आभूषण है खजाने के तौर पर वे इतने हैं उसका लेखांकन एक तिथि वार क्या करते थे और राजा को भेज दिया करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो लेखांकन का विकास है लेखांकन विकास वो अब से 4500 साल पहले 4000 साल पहले हो चुका था। ग्रीस के लोग भी क्या करते थे कि जो अपना खजाना है या किसी की सैलरी है वेतन है जो भी है मतलब वे भी ऐसे खतौनी करते थे कि प्राप्तिया और भुगतान यानी कि आगम और शोधन जैसे अकाउंट बनाते होंगे। ऐसा मानना है कि उसमें भी 3500 यानी कि 3500 साल पहले ही ग्रीस में भी खतौनी की जाती थी लेखांकन के विकास पर। लेखांकन का विकास भारत में भगवान राम के जमाने से यानी कि रामायण से और महाभारत के जमाने में भी और भारत की जो संहिता है या पुराण है उनमें भी जिक्र मिलता है। कौटिल्य, कौटिल्य क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक मंत्री था, विद्वान मंत्री था, तो उसने भी अपनी किताब में लेखांकन का विकास किया। यानी कि लेखांकन का विकास कोई अभी नहीं हुआ, लेखांकन का विकास तो पहले से है जब से हम लेन देनों का लेखा किया। अब लेखांकन के विकास में क्या है, अब इसकी तीन अवधारणाएं हैं। जैसे बेबीलोनिया, बेबीलोनिया में भी जो है वाणिज्य की नगरी माना जाता है। अब बात करते हैं लेखांकन के विकास में तीन चरण थे, पुष्पालन के बाद है लेखांकन, लेखांकन पुष्पालन क्या होता है कि जो भी व्यापार से संबंधित शुरू के लेन देन है। अब ध्यान से सुन लो हमारी बात,
जो भी जो है व्यापार से संबंधित जो शुरू के लेन देन है, जैसे रोजनामचा प्रविष्टियां करना, उनका व्यवहार करना या लाभकारी खाता बनाना, ठीक है। तो जो भी इस तरीके के कार्य हैं वो तो आ जाते हैं पुष्प पालन के अंदर, बहुत ही सिंपल भाषा में है। लेखांकन क्या है कि जैसे ही हमने प्रविष्टियां करी कि कितनी रकम डेबिट में लिखनी है या कितनी रकम क्रेडिट में लिखनी है, जो भी है उनको दे या उनसे दे, ये बताता है मैं लेखाकरण। और लेखाकरण क्या चीज डेबिट होनी चाहिए थी, क्या चीज क्रेडिट होनी चाहिए थी, ये बात बताती है मैं लेखाकरण। और एक और जो है पॉइंट रह गया भैया, पॉइंट रह गया अंकेक्षण। यानी कि ऑडिट। ऑडिट क्या है कि पुष्प पालन कर दिया, लेखांकन कर दिया, फिर क्या चीज लेखे में लेखा शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए थी, लेखाकरण कर दिया। अब बात करेंगे इनको चेक करने की कि क्या हमारे द्वारा अकाउंट बनाए गए हैं जो उनकी शुद्धता ठीक है कि नहीं, कि हमने जो है लेखांकन में कोई गलत मत तो नहीं भरती, या कोई किसी का अमाउंट ज्यादा है या कम तो नहीं लगा दे, या कुछ भी नहीं लिखा, वो अंकेक्षण यानी कि ऑडिट। अब मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बार बताऊंगा, पुष्प पालन के बारे में, लेखांकन के बारे में, लेखाकरण के बारे में। और मैंने जो अपने चैनल पर पहले भी वीडियो डाल रखे हैं, तो आप बहुत ही शॉर्ट में पुष्प पालन, लेखांकन, लेखाकरण और अंकेक्षण का जाकर वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।